चलते हैं हम अपने चैप्टर में और देखते हैं इसके क्वेश्चन के आंसरों को। तो हमारा पहला प्रश्न जो है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या पृथ्वी की आयु को दर्शाती है, प्रदर्शित करती है? तो हमारे इसका आंसर हो जाएगा 460 करोड़ वर्ष पूर्व। जो हमारी पृथ्वी है वो 460 करोड़ वर्ष पूर्व बनना स्टार्ट हो चुकी थी, इसकी आयु 460 करोड़ वर्ष है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी अवधि सबसे लंबी है, जिसमें हमारा यान हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। तो निम्नलिखित में से कौन सा तत्व वर्तमान वायुमंडल के निर्माण व संशोधन में सहायक नहीं है, इसमें हमारा आंसर हो जाएगा विभेदन ग। विभेदन की परिभाषा बता दें तो हल्के व भारी घनत्व वाले पदार्थों के पृथक होने की प्रक्रिया ही विभेदन कहलाती है। बस आगे चलते हैं अपना। इसके बाद जो हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भीतरी ग्रह कौन से हैं? तो इसमें हमारे ऑप्शंस हैं, का है पृथ्वी व सूर्य के बीच पाए जाने वाला ग्रह, ख सूर्य व क्षुद्र ग्रहों की पट्टी के बीच पाए जाने वाला ग्रह, ग है वे ग्रह जो गैसीय हैं, घ है बिना उपग्रह वाले ग्रह। तो हमारा इसमें आंसर हो जाएगा ख, शुद्ध ग्रह, सूर्य तथा क्षुद्र ग्रहों के पट्टी के बीच पाए जाने वाला ग्रह, जिसे हम पार्थिव ग्रह भी कहते हैं। ये ग्रह पृथ्वी की तरह कठोर और अधिक घनत्व वाले होते हैं। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो है, पृथ्वी पर जीवन निम्नलिखित में से लगभग कितने वर्षों पहले आरंभ हुआ? तो हमारी पृथ्वी पर जीवन जो है वो 3 अरब 80 करोड़ वर्ष पहले आरंभ हुआ था। ठीक, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें है, पार्थिव ग्रह चट्टानी क्यों है? पार्थिव ग्रह अभी हमने बताया था, फिर देखिए इसमें उत्तर क्या है। आंसर, पार्थिव ग्रह पृथ्वी की भांति ही शैलों और धातुओं से बने हैं, पृथ्वी की तरह पत्थरों और धातुओं से बने हैं और अपेक्षाकृत अधिक घनत्व वाले हैं। इसका कहने का मतलब है कि जो भीतरी ग्रह पाए जाने यानी पार्थिव ग्रह जो होते हैं वो पृथ्वी की तरह ही पत्थरों और धातुओं से बने हैं तथा उसकी तरह ही अधिक घनत्व वाले हैं। जनक तारे के बहुत नजदीक होने के कारण और अत्यधिक तापमान के कारण इन ग्रहों की गैसें संघनित नहीं हो पाई और घनीभूत भी ना हो सकी। छोटे होने के कारण इनकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति भी कम रही, जिसके फलस्वरूप इनमें निकली हुई गैसें इन पर रुक नहीं सकी। पहले 4 ग्रह बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल पार्थिव ग्रह कहे जाते हैं, जो सूर्य तथा क्षुद्र ग्रहों की पट्टी के बीच पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित दिए गए तर्कों में निम्न वैज्ञानिकों के मूलभूत अंतर बताइए। तो पहला है कांट व लाप्लास, दूसरा चैम्बरलिन व मोल्टिन। तो पहले हम कांट व लाप्लास के सिद्धांत को देखते हैं। इन विद्वानों की परिकल्पना के अनुसार ग्रहों का निर्माण धीमी गति से घूमते हुए पदार्थ के बादल से हुआ है, जो कि सूर्य की युवा अवस्था से संबंधित थे। 1796 ईस्वी में प्रतिपादित लाप्लास की निहारिका परिकल्पना के अनुसार पृथ्वी को आंतरिक भाग गैसीय अवस्था में होना चाहिए, क्योंकि पृथ्वी की उत्पत्ति गैस से बनी निहारिका से मानी जाती है। वही चैम्बरलिन और मोल्टन का कहना है कि ब्रह्मांड में एक अन्य भ्रमणशील तारा सूर्य के पास से गुजरा, इसके परिणाम स्वरूप तारे के गुरुत्वाकर्षण से सूर्य की सतह से सिगार के आकार का कुछ पदार्थ निकलकर अलग हो गया। यह पदार्थ सूर्य के चारों ओर घूमने लगा और यहीं पर धीरे धीरे संघनित होकर ग्रहों के रूप में परावर्तित हो गया। इनके कहने का क्या मतलब है कि सूर्य की तरह ही एक भ्रमणशील तारा सूर्य के पास से गुजरा, उसकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति ने सूर्य के सतह के सिंगार का आकार कुछ पदार्थ तोड़कर निकाल लिया और वह जो दूसरा तारा था वो आगे खिसक गया। तो वही जो पदार्थ सूर्य से निकला वही उसके कक्ष में घूमने लगा, वही से पृथ्वी का निर्माण हुआ, ऐसा कहना है चैम्बरलिन और मोल्टन का। तो हमारा फिर चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा वो क्वेश्चन हो गया, विभेदन प्रक्रिया से आप क्या समझते हैं? पृथ्वी की उत्पत्ति के दौरान, आंसर है हमारा, पृथ्वी की उत्पत्ति के दौरान उत्पत्ति के तुरंत बाद अत्यधिक
ताप के कारण पृथ्वी के कुछ भाग पिघल गए और तापमान की अधिकता के कारण ही हल्के व भारी घनत्व के मिश्रण वाले पदार्थ घनत्व अंतर के कारण अलग होने शुरू हो गए। इसी अलगाव से भारी पदार्थ जैसे लोहा पृथ्वी के केंद्र में चले गए और हल्के पदार्थ पृथ्वी की सतह या ऊपरी भाग की तरफ आ गए। समय के साथ ये और ठंडे हुए और ठोस रूप में परिवर्तित होकर छोटे आकार के हो गए। हल्के व भारी घनत्व वाले पदार्थों के पृथक होने की प्रक्रिया को विभेदन कहा जाता है। इसमें हमारा सिंपल सा लॉजिक है कि हल्के व भारी घनत्व वाले पदार्थों के अलग होने की प्रक्रिया, मतलब उसको पृथक करने की प्रक्रिया ही विभेदन कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रारंभिक काल में पृथ्वी के धरातल का स्वरूप क्या था? जो क्वेश्चन है इसका कहना है कि जो शुरुआत में हमारी पृथ्वी थी उसका धरातल कैसा था? तो आंसर है हमारा, प्रारंभ में पृथ्वी चट्टानी, गर्म व वीरान थी। पृथ्वी पर प्रारंभिक दौर में तापमान इतना अधिक था कि अपने निर्माण के 80 करोड़ वर्ष बाद ही यह पिघल चुकी थी। उस समय यह ठोस अवस्था में ना होकर तरल अवस्था में थी। इस पर वायुमंडल का घनत्व काफी विरल था। वायुमंडल में केवल हाइड्रोजन और हीलियम गैस विद्यमान थी। इस तरह से आज की पृथ्वी और प्रारंभिक दौर की पृथ्वी में काफी भिन्नता थी। लेकिन प्रारंभिक दौर की पृथ्वी पर कुछ ऐसी घटनाएं एवं क्रियाएं अवश्य हुई होगी जिनके कारण चट्टानी वीरान और गर्म पृथ्वी एक सुंदर ग्रह में परिवर्तित हुई, जहां बहुत सा पानी और जीवन के लिए अनुकूल वातावरण उपलब्ध हुआ। यह है कि शुरुआत में जो हमारी पृथ्वी थी वो बहुत ही चट्टानी, गर्म और वीरान थी, एकदम प्लाज्मा की तरह था, एकदम तरल अवस्था में था। लेकिन कुछ ऐसी घटनाएं हमारे पृथ्वी पर घटी जो इस वीरान चट्टान और गर्म के पृथ्वी को एक सुंदर ग्रह में परिवर्तित कर दिया। बस यही था हमारे इस क्वेश्चन के आंसर में। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, पृथ्वी के वायुमंडल को निर्मित करने वाली प्रारंभिक गैसें कौन सी थी? पृथ्वी के वायुमंडल को निर्मित करने वाली प्रारंभिक गैसें हाइड्रोजन और हीलियम थी, जो काफी गर्म थी। इन गैसों की उपलब्धता के कारण ही पृथ्वी तरल अवस्था में थी। वर्तमान समय में सूर्य भी हाइड्रोजन और हीलियम गैस का गोला है, जो कि काफी गर्म है। उसी तरह से पृथ्वी भी प्रारंभिक दौर में काफी गर्म थी। प्रारंभिक वायुमंडल, जिसमें हाइड्रोजन व हीलियम की अधिकता थी, सौर पवन के कारण पृथ्वी से दूर हो गया। ऐसा केवल पृथ्वी पर ही नहीं वरन सभी पार्थिव ग्रहों पर हुआ, अर्थात सौर पवनों के प्रभाव के कारण सभी पार्थिव ग्रहों में आदिकालिक वायुमंडल या तो दूर ढकेल दिया गया था या समाप्त हो गया। यह वायुमंडल के विकास की पहली अवस्था थी। क्वेश्चन 3 का पहला है, बिग बैंग सिद्धांत का विस्तार से वर्णन करें। तो इसमें हमारा आंसर आता है, आधुनिक समय में ब्रह्मांड की उत्पत्ति संबंधित सर्वमान्य सिद्धांत बिग बैंग सिद्धांत है। इसे विस्तारित ब्रह्मांड परिकल्पना भी कहा जाता है। 1920 में एडविन हबल ने प्रमाण दिए कि ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है। बिग बैंग सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांड का विस्तार निम्न अवस्थाओं में हुआ है। पहला है, आरंभ में वे सभी पदार्थ जिनसे ब्रह्मांड बना है अति छोटे गोला के रूप में एक ही स्थान पर स्थित थे, जिसका आयतन अत्यधिक सूक्ष्म एवं तापमान तथा घनत्व अनंत था। सेकंड, बिग बैंग की प्रक्रिया में इस अति छोटे गोलक में भीषण विस्फोट हुआ। इस प्रकार की विस्फोट प्रक्रिया से बेहद विस्तार हुआ। वैज्ञानिकों का विश्वास है कि बिग बैंग की घटना आज से 13.7 अरब वर्ष पहले हुई थी। ब्रह्मांड का विस्तार आज भी जारी है। विस्तार के कारण कुछ ऊर्जा पदार्थ में परिवर्तित हो गई। बिग बैंग से 3 लाख वर्षों के दौरान तापमान 4500 डिग्री केल्विन तक गिर गया और परमाणु पदार्थ का निर्माण हुआ। ब्रह्मांड पारदर्शी हो गया। ब्रह्मांड के विस्तार का अर्थ है आकाश गंगाओं के बीच की दूरी में विस्तार होना। हायल ने इसका विकल्प स्थिर अवस्था संकल्पना के नाम से प्रस्तुत किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पृथ्वी के विकास संबंधी अवस्थाओं को बताते हुए हर अवस्था या चरण को संक्षेप में वर्णित करें।
पृथ्वी का विकास विभिन्न अवस्थाओं में हुआ है। पृथ्वी का निर्माण 460 करोड़ वर्ष पहले हुआ। उस वक्त पृथ्वी तरल अवस्था में थी, क्योंकि पृथ्वी पर हाइड्रोजन और हीलियम गैस की अधिकता थी, जो कि काफी गर्म होती है। बाद में अत्यधिक ताप के कारण पृथ्वी आंशिक रूप से द्रव अवस्था में रह गई, और ताप की अधिकता के कारण ही हल्के और भारी घनत्व के मिश्रण वाले पदार्थ घनत्व में अंतर के कारण अलग होने शुरू हुए। इसी अलगाव से भारी पदार्थ जैसे लोहा पृथ्वी के केंद्र में चले गए, हल्के पदार्थ पृथ्वी की सतह पर या ऊपरी भाग में आ गए। समय के साथ ये ठंडे हुए और ठोस रूप में परिवर्तित होकर छोटे आकार के हो गए। अंततः ये पृथ्वी की भूपट्टी के रूप में विकसित हो गए। वर्तमान वायुमंडल के विकास की तीन अवस्थाएं हैं। प्रारंभिक वायुमंडल, जिसमें हाइड्रोजन व हीलियम की अधिकता थी, सौर पवन के कारण पृथ्वी से दूर हो गया। पृथ्वी के ठंडा होने और विभेदन के दौरान इसके अंदरूनी भाग से बहुत सी गैसें वे जलवायु बाहर निकले, इसी से आज के वायुमंडल का उद्भव हुआ। आरंभ में वायुमंडल में जल वाष्प, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन व अमोनिया अधिक मात्रा में है। स्वतंत्र ऑक्सीजन बहुत कम थी। ऐसा माना जाता है कि पृथ्वी पर जीवन का विकास लगभग 380 करोड़ वर्ष पहले आरंभ हुआ। एक कोशी जीवाणु से आज के मनुष्य तक जीवन के विकास का सारा भूवैज्ञानिक काल मापक्रम से ज्ञात किया जा सकता है। इसके बाद हमारा जो है परियोजना प्रैक्टिकल कार्य किया, जिसे आप खुद कर सकते हैं। तो इस वीडियो में आज इतना ही। हमने चैप्टर चैप्टर सेकंड को दो को समाप्त कर दिया है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ये जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।